तात्पर्य है तुम्हारा कि पद्मावती का कुछ पता नहीं चला? वासु, अपने रक्षकों को यहाँ उपस्थित होने का आदेश दो। जी पिताजी। रुक जाइए वासु। तो महर्षि भृगु पधारे, आइए मैं राजा आकाश आपका स्वागत करता हूँ। ऋषि, क्यों आए हैं यहाँ पर आप? ये देखने, वर्षों से मैंने जो सम्मान अर्जित किया है वो मिट्टी में कैसे मिल रहा है? मुझे आपके किसी परामर्श की आवश्यकता नहीं है ऋषिवर। जो करना होगा मैं स्वयं कर लूंगा। चाहिए, मैं यहां पर परामर्श देने नहीं आया हूं राजा। मैं यहां पर एक प्रस्ताव लेकर आया हूं। मेरी पुत्री भार्गवी और राजकुमार वासु का आज रात्रि कोई विवाह करा देने का प्रस्ताव। मेरी पुत्री का हरण करके ले गया है वो। वेंकटगिरि का सम्मान नष्ट हो गया और ऐसे अवसर पर आपको अपनी पुत्री का मंगल परिणय सूझ रहा है? आपने तो कहा था कि मेरी पुत्री पद्मावती आपकी पुत्री के समान है और एक पुत्री के घर को नष्ट होते देखकर उस पर शोक मनाने के स्थान पर आप अपनी पुत्री के विवाह के बारे में सोच रहे हैं। राजन, मैंने जो भी कहा था सत्य कहा था, इसीलिए यह प्रस्ताव लेकर आया हूं, क्योंकि इसमें राजकुमारी पद्मावती का भी हित है। मैं श्रीनिवास को भली भांति जानता हूं, इसीलिए मैं ये बात निश्चित रूप से कह सकता हूं, यदि आज रात्रि भार्गवी और राजकुमार वासु का विवाह होता है तो श्रीनिवास नाम की यह समस्या हमारे जीवन से सदैव के लिए चली जाएगी और तब आपकी पुत्री भी आपको वापस मिल जाएगी। आप उनका विवाह करा देना और आपका खोया हुआ सम्मान भी आपको पुनः प्राप्त हो जाएगा राजन। ये कैसे संभव है? नारायण तो त्रिदेव का अंग है, वो तो वैकुंठ में निवास करते हैं, तो तुम? आप यहां क्यों और कैसे? ये प्रथम बार नहीं है जब मैं अवतरित हुआ हूं, ना ही ये अंतिम अवसर है। जब जब धर्म और प्रेम को मेरी आवश्यकता थी मैं आया, कभी सृष्टि के प्रारंभ में मत्स्य बनकर। कभी कूर्म बनकर, कभी वराह बनकर, कभी नरसिंह तो कभी वामन। कभी परशुराम बनकर, कभी राम बनकर मैं आया, कभी कृष्ण बनकर, हर अवतार में रूप भिन्न थे, कारण भिन्न थे, स्थान भिन्न थे, किंतु उद्देश्य सदैव मात्र एक ही था, प्रेम की रक्षा, प्रेम का संवर्धन। क्योंकि प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही पराक्रम है, प्रेम ही आस्था है। और इन सभी अवतारों की भांति श्रीनिवास भी मेरा एक अवतार ही है। सब कुछ बदला, युग बदले, स्थान बदले, परिस्थितियां बदली, कारण बदले, और इन सभी अवतारों में यदि कुछ ऐसा रहा जो सदैव नित्य रहा तो वो थी वो व्यक्ति
जिससे मैं प्रेम करता हूं। तुम जानना चाहती हो वो कौन है? यदि आपको लग रहा है कि मैं असत्य कह रहा हूं और राजकुमार वासु और भार्गवी का विवाह केवल अपने स्वार्थ के लिए करना चाहता हूं, उचित है। तो मैंने आज तक जो भी तप किए हैं उसकी शपथ खाकर कहता हूं, यदि आज रात्रि मेरी पुत्री भार्गवी और राजकुमार वासु का विवाह होता है और मेरी पुत्री इस महल में आती है तो इस राजमहल की सभी समस्याएं सदैव के लिए दूर हो जाएंगी। तो इस राजमहल में सुख, समृद्धि और प्रसन्नता का आगमन ऐसे होगा जैसे स्वयं साक्षात लक्ष्मी का आगमन हुआ। ये ऋषि भृगु की सौगंध है, सौगंध है। अब निर्णय आपको लेना है राजन, क्या आपको मेरी पुत्री भार्गवी और आपके पुत्र राजकुमार वासु का विवाह का प्रस्ताव स्वीकार है? मैं जानता हूं ऋषिवर कि आप झूठी शपथ नहीं लेंगे। यदि आपको विश्वास है कि भार्गवी के महल में आने से हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी तो ठीक है ऋषिवर, भार्गवी और वासु का विवाह आज रात्रि में ही होगा। धन्यवाद राजन, अब मैं चलता हूं। अब नारायण मेरी भार्गवी को मुझसे दूर कभी नहीं कर पाएंगे। मुझे यहां क्यों लाए हो अश्री? ये क्या है? इस पर अपना हाथ रखो, अपने आप ज्ञात होगा। जहाँ श्री का वास है वहाँ श्री निवास है। श्रीनिवास की श्री भार्गवी, भार्गवी।